डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज इफ एक्स एंड वाई आर द टू डिजिट्स ऑफ द नंबर 653xy सच दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 80 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। ओके, तो हमें एक नंबर गिवन है 653xy और ये जो नंबर है ये 80 से डिविजिबल है, तो हमें फाइंड आउट करना है उस केस में x और y की क्या क्या वैल्यूज होंगी। ठीक है, अब देखिए 80 का अगर हम फैक्टर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 5 × 16। ठीक, और 5 और 16 आपस में दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर्स हैं क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। ओके, तो बेसिकली अगर कोई नंबर 80 से डिविजिबल है तो दैट मीन्स वो नंबर 5 और 16 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है कि जो यूनिट डिजिट है उस पर यूनिट डिजिट क्या है y, तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, आइदर 0 और 5। ओके, लेकिन जो हमें नंबर गिवन है वो 80 है यानी 80 से डिविजिबल है, दैट मीन्स उसके यूनिट प्लेस तो इसका एक फैक्टर 10 भी होगा, तो 80 को हम ये भी लिख सकते हैं 8 × 10, तो यानी ये नंबर 10 से भी डिविजिबल होना चाहिए। और 10 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि n में 0 होगा ओनली, सो यहाँ से 5 की वैल्यू तो एक्सक्लूड हो गई, सो द रिमेनिंग इज ओनली y इक्वल टू 0। ओके, तो हमारा नंबर क्या आ गया हमारे पास 653x0। ठीक, अब ये नंबर डिवाइड होना चाहिए 80 से, तो अब चेक करना है कि ये नंबर 16 से कब डिवाइड होगा, तो 16 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट की जो 4 डिजिट्स हैं वो 16 से डिविजिबल होनी चाहिए, सो 4 डिजिट हैं इसकी 5 3 x 0। अब 5 3 x 0 को 16 से डिवाइड होने के लिए कंडीशन क्या है, तो इसको डिवाइड करते हैं 16 से, सो नंबर इज 5 3 x 0 डिवाइड करेंगे 16 से, सो 16 3 जब 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 53 − 48 इज 5 एंड द नेक्स्ट इज x। ठीक, अब हम यहाँ पे देखिए क्या नंबर सब्स्टिट्यूट करें ताकि 16 इसको कम्प्लीट डिवाइड कर ले। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें x की जगह नंबर 6 तो ये हो जाएगा 56 एंड 16 3 जब 48, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 − 48 इज 8 एंड कैरी 0, सो 16 5 जब 80, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और यही हमें कंडीशन चूज करनी थी, तो क्या वैल्यू आ गई हमारे रिक्वायर्ड वैल्यू x की वैल्यू हो गई 6, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू हमने कंप्यूट की थी 0। अब हमें कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ x प्लस y, सो x प्लस y 6 + 0 दैट इज इक्वल टू 6, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।